السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك मोहतरम हजरात दीनी व मिल्ली भाइयों मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों मस्जिद रैयान में काफी अरसे के बाद एक मरतबा फिर आपके सामने एक दीनी मजलिस में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। बरादरम शेख मोहम्मद इमरान सलफी हफिज़हुल्लाह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के ताल्लुक से बड़ी कीमती बातें आप समाज फरमा रहे थे। हकीकत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो मौजू है ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मौजूआत में से एक मौजू है। इस मौजू पर जितना बोला जाए कम है, जितना लिखा जाए कम है। उलमाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलग अलग पहलुओं पर जखीम किताबें लिखी हैं। किसी ने आपके अखलाक पर लिखा, किसी ने आपकी घरेलू जिंदगी पर लिखा, किसी ने आपके गजवात पर लिखा, किसी ने आपके मोजजात पर लिखा, किसी ने आपकी औलाद का तस्करा किया, किसी ने आपकी बीवियों का जिक्र किया। तो सीरत तैयबा का मौजू बड़ा कीमती मौजू है मेरे प्यारे भाई।
सीरत के उन्हीं अलग अलग पहलुओं में से एक पहलू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, यानी वो खास चीजें जो अल्लाह के आखिरी नबी को दी गई, आपसे पहले किसी को नहीं दी गई। ये भी सीरत तैयबा का बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम उनवान है। इस मौजू पर बड़ी किताबें उलमा ने लिखी। इमाम सियूती की बड़ी मशहूर किताब है अल खसाइस नबवीया अल कुबरा, जिसको मुख्तसर में अल खसाइस भी कहा जाता है, बहुत मशहूर किताब है। तो आज मैं इस मौजू के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कौन सी खास चीजें हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन सी स्पेशलिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दी हैं। तो आइए, चूंकि मगरिब बात का प्रोग्राम है, बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, इख्तिसार के साथ शॉर्ट में हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली खसूसियत जो दी गई कि आप सारे नबियों के सरदार हैं, आप आखिरी नबी भी हैं और सारे नबियों के सरदार भी हैं, और सारे नबियों से अल्लाह ताला ने एग्रीमेंट लिया है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आ गया तो तुम्हें हमें हमारे आखिरी नबी की पैरवी करनी पड़ेगी। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 के अंदर अल्लाह ताला ने इस हकीकत का तस्करा किया, وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ। याद करो जब अल्लाह ताला ने अपने नबियों से एग्रीमेंट लिया, वादा लिया, अय मेरे नबियों, अय मेरे रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आ गया, अगर हमारा आखिरी रसूल तुम्हारी हयात के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ गया, लतुमिनुन्नबिही, तो तुम हमारे आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु, और तुम हमारे आखिरी नबी की मदद करोगे, उनका साथ दोगे। काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह ताला ने अपने सारे नबियों से यह वादा लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, क्या तुम इस बात का वादा करते हो कि तुम हमारे आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाओगे। कालू अकररना, सारे नबियों ने इस बात का वादा किया कि हां अय अल्लाह, तेरा आखिरी नबी अगर हमारी जिंदगी में आ गया तो हम तेरे आखिरी नबी की पैरवी करेंगे, हम उसके उम्मती बन जाएंगे, उसकी पैरवी करने वाले बन जाएंगे। काल फशहदू, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे नबियों, तुम गवाह रहना, वाना माकुम मिन शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। गौर कीजिए अल्लाह के नबी के मकाम और मर्तबे के ऊपर कि सारे नबियों से अल्लाह ताला ने यह वादा लिया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौकान मूसा हय्यन मा वसअहु इल्ला तबाई, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाहयात होते, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तबा के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर, उनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो बाहयात होते तो उन्हें भी मेरी इत्तबा करनी पड़ती। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह के नबी तो एक जलीलुल कद्र पैगंबर का नाम लेकर के कह रहे हैं कि अगर वो होते तो उनको भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। आज का मुसलमान अपने बाप दादा का नाम लेकर के, अपने बुजुर्गों का नाम लेकर के, अपने पीरों का नाम लेकर के, अपने इमामों का नाम लेकर के हदीस रसूल को ठुकरा देता है। नबी अकरम की सही हदीस उसके सामने पेश की जाती है, हदीस बिल्कुल सही है, हदीस में जो बात बयान की गई है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं साहब, हम नहीं मानेंगे, हमारे बाप दादा का यह तरीका नहीं था, हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सिखाया, हमारे इमामों ने यह नहीं सिखाया। गौर कीजिए कि जिस नबी को अल्लाह ताला ने यह मकाम दिया है कि सारे नबी उनकी रिसालत का इकरार कर रहे हैं कि आज उस नबी की उम्मती, अफसोस की बात है कि उस नबी की हदीस आने के बाद अगर मगर चूं चरा ऐसा है वैसा, ये सब बातें कर।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुकद्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की पहली आयत में फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला से और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो। रसूल से आगे बढ़ने का मतलब क्या है? रसूल की बात के आगे किसी की बात रख दी जाए, रसूल की बात काट दी जाए, हदीस रसूल ठुकरा दी जाए, इससे बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना क्या है मेरे भाई? तो नबी अकरम की पहली खसूसियत कि सारे नबियों के इमाम हैं आप। नबी अकरम की दूसरी खसूसियत, सारे नबियों के इमाम होने के बावजूद अल्लाह के नबी सारे नबियों से मोहब्बत करते हैं और आपके मानने वाले भी सारे नबियों के ऊपर ईमान लाते हैं। कोई एक नबी भी अल्लाह का ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम ईमान न लाते। हमें जो किताब दी गई उस किताब के शुरू में हमें यह दर्स दिया गया, वल्लज़ीन युमिनून बिल्लज़ीन युकीम अलिफ्लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। इस्लाम की नजर में, कुरान की नजर में हिदायत याफ्ता वो लोग हैं, सही रास्ते पर वो लोग हैं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आपसे पहले जितने नबी आए सब पर ईमान रखते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अय मक्का के मुशरिको, तुम ये दावा करते हो कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, तुम दीन हनीफ के मानने वाले हो, तुम दीन इब्राहिम के मानने वाले हो। अय मक्का के मुशरिको, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम लल्लज़ीन तबऊहु व हाज़न नबी वल्लज़ीन आमनू। ऐ मक्का के मुशरिकों, कान खोल करके सुन लो, इब्राहीम से सबसे ज्यादा ताल्लुक अगर किसी का है तो या तो इब्राहीम के मानने वालों का है, इब्राहीम की पैरवी करने वालों का है, और उसके बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा ताल्लुक इब्राहीम के साथ है तो इस नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और इनके पर ईमान लाने वाले मुसलमानों का है। अगला महीना दिसंबर का आ रहा है, हमारे ईसाई भाई जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। दुनिया की नजर में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई हैं, मगर मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना औलन्ना से बेईसा इब्ने मरियम फी दुनिया वला आखिरा। ओ लोगों, कान खोल करके सुन लो, ईसा इब्ने मरियम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, ईसा इब्ने मरियम से सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक रखने वाला दुनिया और आखिरत में अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं और मेरे मानने वाले सबसे ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम से करीब हैं, सारे नबियों की तालीम से करीब हैं हमारे नबी और हम जो आपके मानने वाले। इसीलिए मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा के दिन जब अल्लाह के नबी ने देखा कि यहूदी रोजा रखते हैं, आपने पूछा कि तुम रोजा क्यों रखते हो? यहूदियों ने कहा कि हम इसलिए रोजा रखते हैं कि इसी आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को फिरौन से नजात दी थी। नबी अकरम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अगर मूसा अलैहि सलाम को वाकई मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात दी थी, नहनो अहक बिमूसा मिनहुम, तो यहूदियों से ज्यादा तो मूसा के ऊपर हमारा हक है। यहूदी तो झूठे अपने दावे में, हम तो मूसा के सच्चे मानने वाले, लिहाजा आपने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम आशूरा के दिन रोजा रखो, और चूंकि यहूदी भी रोजा रखते थे इसलिए आपने 9 तारीख का रोजा रखने की भी ताकीद कर दी ताकि उनकी मुखालफत हो जाए। तो यह हमारे नबी की दूसरी खासियत है मेरे भाई, कि सारे नबियों से करीब हैं हमारे नबी। हमारे नबी की तीसरी खासियत, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में जब आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां पर आपको यह मकाम दिया गया कि सारे नबियों की मौजूदगी में आपको इमाम बनाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब सुबह हुई तो मैं हतीम के अंदर था और जब मैं मेराज का वाकया बयान कर रहा था, फसालतनी कुरैशुनन मसराया, तो कुरैश के लोग मुझसे मेराज के सफर के बारे में सवाल कर रहे थे।
فَسَالَتْنِي أَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا, تو بیت المقدس کا جب میں نے نام لیا اور میں نے بتایا کہ میں بیت المقدس میں گیا تھا, تو مکہ کے مشرکوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا, اے محمد اگر تم نے واقعی نے بیت المقدس دیکھا ہے تو یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے اندر کتنے کھمبے ہیں, کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے روشن دان ہیں. انہوں نے ایسے ایسے سوالات کیے جو مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک مرتبہ کہیں جائے اور اس سے آپ پوری ڈیٹیل پوچھیں کتنے دروازے ہیں, کتنے کھمبے ہیں, کتنے روشن دان ہیں, نہیں بتا پائے گا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور اہم مشن پر گئے تھے, ایک کام سے گئے تھے, آپ وہاں کھمبے تھوڑی گن رہے تھے. لیکن جب مکہ کے مشرکین نے سوال کیا اور اللہ کے نبی جواب نہیں دے پا رہے تھے, فقربت قربتن ما لم اقرب مثله, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. کیوں تکلیف ہوئی؟ کیونکہ ان کی نظر میں میں جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں, میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکلیف کو فوراً دور کر دیا. فرفعہ اللہ لی, اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا. اللہ کے نبی کہاں پر ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس, حطیم کے پاس کھڑے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس کا نقشہ لا کر کے سامنے رکھ دیا. ما یسألونی عن شیء الا انباتہم بہ, اور بیت المقدس کے بارے میں جو سوال وہ مجھ سے کرتے چلے جاتے تھے, میں ایک ایک سوال کا جواب دیتا چلا جاتا تھا. وہ جس اینگل سے سوال کرتے تھے, بیت المقدس کے جس پوز کے بارے میں سوال کرتے تھے, اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا وہ اینگل, وہ پوز اپنے نبی کے سامنے لا کر کے رکھ دیتا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں گیا, فرائیتنی فی جماعت من الانبیاء, وہاں میں نے نبیوں کی جماعت کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا اللہ کے نبی نے, فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ, حضرت موسیٰ علیہ السلام میڈیم ہائٹ کے تھے, بہت لمبے بھی نہیں تھے, بہت ناٹے بھی نہیں تھے, میڈیم ہائٹ کے تھے, جعدن اور گھنگرالے بال والے تھے. کَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوعَ, عرب کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا شنوا قبیلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا وہ شنوا قبیلے کے کوئی انسان ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود الثقفی کی شکل حضرت عیسیٰ سے بہت ملتی جلتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور آپ نے فرمایا ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ تمہارے نبی سے, یعنی آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھ سے ملتی جلتی ہے, یعنی میں ابراہیم, چونکہ ابراہیم آپ کے دادا, آپ کے آبا و اجداد میں سے تھے, آپ کے دادا تھے, اس لیے آپ کی شکل ابراہیم علیہ السلام سے بہت حد تک ملتی جلتی تھی. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, فحانت الصلاح, نماز کا وقت ہوا. یہ کون سی نماز تھی معلوم نہیں, اس لیے کہ معراج کا سفر تو رات میں ہوا ہے, ممکن ہے کہ یہ رات کی قیام اللیل کی نماز ہو. علماء نے اس نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نماز کی کیفیت ہم نہیں جانتے, یہ غیب سے اس کا تعلق ہے, جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. فحانت الصلاۃ, نماز کا وقت آیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فاممتہم, سارے نبیوں کی موجودگی میں ان کی امامت کا شرف اگر کسی کو دیا گیا تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیا گیا. سارے نبیوں کے امام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کی چوتھی خاصیت, آپ معصوم تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے معصوم بنایا تھا, مگر کہیں کہیں تھوڑی بہت کوتاہی اگر کسی معاملے میں آپ سے ہو گئی, کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ دو راستے آپ کے سامنے تھے, آپ نے جو زیادہ بہتر راستہ تھا اس کو ناپنا کر کے کم بہتر والا راستہ آپ نے اپنا لیا, ایسا ہوا ہے کبھی کبھی. اس کو بھی اللہ کے نبی اپنے حق میں قصور سمجھتے تھے, اپنی غلطی سمجھتے تھے, اپنی خطا سمجھتے تھے, اور راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کی ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں کے بارے میں بھی اعلان فرما دیا, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر,
اے نبی آپ کو ذرا سا بھی اپنے دل میں ملال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے اگلی پچھلی جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ جب راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، جب راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، حتی تتفطر قدمہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے قدموں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اما عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں اعلان کر دیا ہے آپ سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں بھی اگر سرزد ہوں گی وہ بھی معاف ہیں، تو آپ کو اتنی محنت کرنے کی اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں، اے عائشہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، افلا اکون عبدن شکورا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی ہے، کیا اس نعمت کے اوپر میں اپنے رب کا شکریہ نہ ادا کروں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سرزد ہونے والی ان معمولی کوتاہیوں کو، جو غلطی جن کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، ان کو بھی آپ اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اپنے حق میں غلطی سمجھتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ معاف۔ اللہ کے نبی کی پانچویں خصوصیت، نبی اکرم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بستین، مجھے اللہ تعالیٰ نے چھ چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، چھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ نمبر ایک، اعطی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی میرے زبان سے نکلنے والی جو باتیں ہوں گی وہ اتنی مختصر ہوں گی، اتنی چھوٹی ہوں گی، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہوں گی، چھوٹی ہونے کے باوجود میری باتوں کے اندر معنی بہت ہوگا، دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، اسلام دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے، اسلام دوسروں کا خیر چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ دو الفاظ نبی نے استعمال کر دیے اور پورے سمندر کو آپ نے ایک چھوٹے سے برتن میں سمیٹ دیا، پورے اسلام کو آپ نے ان دو الفاظ میں بیان کر دیا، آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے، پتہ یہ چلا کہ کسی کا نقصان کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، چوری کرنا، غیبت کرنا، خیانت کرنا، بے ایمانی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، دین تو دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ کی تاثیر ہے، اعطی تو جوامع الکلم، مجھے جو الفاظ میرے زبان سے نکلتے ہیں وہ جوامع الکلم ہوتے ہیں، بڑے جامع ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا معنی ہوتا ہے، باتیں مختصر ہوتی ہیں لیکن معنی بہت ہوتا ہے۔ اور دوسری خاصیت، ونصرت بالرعب، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری خاصیت مجھے یہ دی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب و دبدبا عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے تقریر میں وہ واقعہ سنا، اللہ کے نبی غزوے میں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، رات کا وقت آرام کر لیا، دوپہر کا وقت ہے، روایات میں دوپہر کا ذکر ہے، اللہ کے نبی لیٹ جاتے ہیں، آپ کے صحابہ تھوڑی دور دور پر لیٹے ہوں گے، دشمن آتا ہے، تلوار، ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے بھروسے کے ساتھ کہتا ہے، مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي یا محمد، اے محمد، آج تو تمہیں میری تلوار سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کون بچائے گا تم، تمہارے ساتھی تو دور دور ہیں، اور میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور تم تو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے، بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ، اللہ کا نام لیا آپ نے، اللہ بچائے گا، آپ کی زبان سے اللہ کا نام لینا تھا، دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے لیکن ہاتھ کانپ رہے ہیں، پورا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے، اور کانپتے کانپتے اس نے تلوار اپنی زمین پر ڈال دی،
अब वो तलवार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथों में ले ली और आपने पूछा मैयम नौ कमिन्नी, अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये रोबो दबदबा अल्लाह ने अपने नबी को दिया था। इब्ने माजा की रिवायत है, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, अल्लाह के प्यारे नबी उससे बात करने लगे। अल्लाह के नबी की पर्सनालिटी का, आपकी शख्सियत का रोबो दबदबा उसके ऊपर ऐसा छाया, फजअलत तरअदु फराइसुहु, उसका बदन थर थर कांपने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हव्विन अलैक, अरे भाई इतना तुम कांप क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों रहे हो, सुकून से रहो, इत्मीनान से रहो, लस्तु बिमलिक, में कोई बादशाह नहीं हूं, इन्नमा अन इब्नु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं तो एक मामूली औरत का बेटा हूं, मैं तो ऐसी औरत का बेटा हूं जो मक्का के अंदर सूखा गोश्त खाया करती थी, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मुझसे कांपने की जरूरत नहीं। यह अल्लाह के नबी का रोबो दबदबा था। और तीसरी खासियत, वो ओहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे माल गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया। आपसे पहले क्या होता था दूसरे नबियों की उम्मतों में, कि अगर दुश्मन से जंग हो रही है तो मैदान जंग में जो माल मिलता था उस माल को कोई यूज नहीं कर सकता, उस माल को इकट्ठा करके एक मैदान में रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी और वो सामान गायब हो जाता था। ये तरीका था माल गनीमत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ, ये उसको परखने का एक तरीका था। बुखारी की एक रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक नबी दुश्मन के साथ ऐसे ही जंग करने गए, जंग हुई और जंग के बाद जब माल गनीमत को मैदान में रखा गया आसमान से आग तो आई मगर सामान को लेके नहीं। उस नबी ने अपनी कौम से कहा कि जरूर तुम में किसी ने खयानत की है, किसी ने चोरी की है, इस माल में से किसी ने चुराया है। एक काम करो, हर कबीले का सरदार मेरे हाथ पर बैत करेगा, जिसका हाथ मेरे हाथ में चिपक गया समझ लो उस कबीले के अंदर चोर है। सारे कबीले के लोगों ने बैत की, सारे कबीले के लोगों ने उस नबी के हाथ पर अपना हाथ रखा, एक कबीले के सरदार का हाथ चिपक गया। क्या इसका मतलब कि तुम्हारे कबीले के अंदर चोर है? अब उस कबीले के सारे लोगों के हाथों से अल्लाह के नबी ने बयत की, उन सब ने अल्लाह के नबी के अल्लाह यानी उस नबी, मैं अपने नबी की बात नहीं कर रहा, उस नबी के हाथ पर बयत की और तीन लोग पकड़े गए, तीन लोगों के हाथ उस नबी के हाथ से चिपक गए। और उसके बाद जितना सामान चोरी हुआ था उतना ही उस सामान के साथ साथ उतना ही सोना उन्होंने अल्लाह की राह में जब रखा और सदका दिया तब जाकर के वो माले वनीमत कबूल हुआ। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मेरी उम्मत के लिए शफकत है, मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत के लिए अगर अल्लाह ताला ने ये उसूल रखा होता तो मेरी उम्मत परेशान हो जाती, इसलिए माले गनीमत को मेरी उम्मत के लिए हलाल किया गया। नंबर चार, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन वतहूरा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चौथी खसूसियत जो मुझे दी गई जो किसी और नबी को नहीं दी गई, कि जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया, जमीन को मेरे लिए पाक बना दिया गया। मुझसे पहले जितने नबी आए उन नबियों की उम्मतों को इबादत करने के लिए इबादत खाना जरूरी है, उनको इबादत करने के लिए कोई जगह का होना जरूरी है, कोई बिल्डिंग का होना जरूरी है। लेकिन मुसलमान एयरपोर्ट के ऊपर भी नमाज पढ़ सकता है, मुसलमान रेलवे स्टेशन के ऊपर भी नमाज पढ़ सकता है, मुसलमान पूरी जमीन के अंदर कहीं भी साफ सुथरी जगह देख करके नमाज पढ़ सकता है। तो पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद बनाई गई और पाक बनाई गई। पाक का क्या मतलब है? उलमा ने लिखा है आप वजू करके नमाज पढ़ते हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तयमुम करना है, अब तयमुम करने के लिए कोई खास इलाके की मिट्टी जरूरी नहीं है, कहीं पर भी पूरी जमीन में कहीं की भी मिट्टी हो, पाक मिट्टी हो, मिट्टी उठा करके आप तयमुम कर। यह नहीं है कि अरब की मिट्टी होनी चाहिए। आज एक साहब ने व्हाट्सएप पर एक सवाल मुझे भेजा था कि क्या मक्का के अंदर कोई मिट्टी ऐसी होती जिसको खा के शफा कहते हैं और उसको जो है चाट जाने से या लगा लेने से आदमी बीमार होता है, सही हो जाता है? मैंने कहा अल्लाह के बंदे ऐसी कोई मिट्टी नहीं है, पूरी जमीन मेरे लिए पाक कर दी। तो ये चौथी खास चीज है जो मुझे दी गई। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन वतहूरा, जमीन मेरे लिए पाक बनाई गई, मस्जिद बनाई गई,
نمبر پانچ، پانچویں چیز آپ نے فرمایا، وہ ارسل تو الل خلقی کا فتن، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے آئے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے لیے آئے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے. وہ ارسل تو الل الخلق کافہ، لیکن میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، انا ارسلنا کا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی، آپ صرف عرب کے نبی نہیں ہیں، عرب کے رسول نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. تو یہ پانچویں خصوصیت ہے ہمارے نبی. نمبر چھ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. نبیوں کی مہر آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے، سیل آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے. جس چیز کے اوپر سیل لگا دی جائے، یعنی وہ چیز پیک ہو گئی ہے، اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے. نبوت کی مہر آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے، آپ آخری نبی، آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لہذا آپ کے بعد جو بھی نبی بن کر کے دنیا میں آنے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا مانا جائے گا، وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے پہلے صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھایا ہے، اور قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، دنیا سے صلیب کا خاتمہ کریں گے، دنیا سے سوروں کو ختم کریں گے، اور ان کے دور میں عدل و انصاف پوری دنیا میں لاگو ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی نیچرل زندگی گزار کر کے، ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو وہ الگ سے نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دنیا میں آ کر کے نماز بھی پڑھیں گے تو اللہ کے پیارے نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بلکہ امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے. یہ بات یاد رکھیں. تو کوئی نبی اب دنیا میں آنے والا نہیں، اللہ کے نبی آخری نبی. اسی لیے اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو گھر بناتا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا گھر بناتا ہے. لوگ آتے ہیں، اس گھر کو غور سے دیکھتے ہیں، اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو گھر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس پورے گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ رہ جاتی ہے. لوگ پورے گھر کا چکر لگا کر کے کہتے ہیں گھر تو بہت اچھا ہے، لولا موزے ہاذہ اللبنا، بس ایک اینٹ کی کمی ہے، یہاں پر ایک اینٹ لگا دی جائے تو یہ گھر کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا تلک اللبنا، وہ ایک اینٹ کی جو کمی ہے وہ اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. تو یہ ہمارے نبی کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ آپ آخری نبی. اور آگے بڑھئیے، اللہ کے نبی کی ایک بہت اہم خصوصیت جو قرآن کے اندر بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی اور نبی کے زندگی کی قسم نہیں کھائی لیکن ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ قرآن کے 14 پارے میں فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے میرے نبی، آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنے گناہوں میں مست بنے ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر اغلام بازی کی وبا تھی، مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا، یہ گندگی ان کے سماج میں پائی جاتی تھی. لوط علیہ السلام منع کرتے تھے لیکن اس گندے کام کے پیچھے وہ پڑے رہتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھا کر کے فرمایا، لَعَمْرُكَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم ہے، اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ لوگ تو اپنے گناہوں میں مست بنے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے، اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، یہ خصوصیت ہے ہماری. ایک اور خصوصیت دیکھیے، دنیا میں جتنے نبی آئے
उनको जो मोजजा दिया गया वो मोजजा वक्ती था, उनके साथ था, उनके जाने के बाद मोजजा भी खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया और उस असे का ये मोजजा था कि असा ही को जमीन पर मूसा अलैहिस्सलाम मारते तो कभी वो अजदहा बन जाता था, कभी उसको जमीन पर मारते तो जमीन से पानी के 12 चश्मे निकल गए, और कभी पानी के ऊपर मारा तो पानी में रास्ता भी बन गया। असा तो वही है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से असा के अंदर ये तासीर पैदा हुई और असा के जरिए ये काम हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद असा खत्म हो गया, उसका मोजजा खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोढ़ी लोगों को ठीक कर देते थे, अंधे लोगों को ठीक कर देते थे, मुर्दा को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनका मोजजा भी खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजजा दिया गया, आपको जो सबसे बड़ा मोजजा दिया गया वो कुरान की शक्ल में दिया गया, वो अल्लाह की आखिरी किताब की शक्ल में दिया गया, और ये मोजजा कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ऐ मेरे नबी, इस कुरान को नाजिल करने वाले हम हैं, इस कुरान को उतारने वाले हम हैं, और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह फरमाता है दुनिया में अलग अलग दौर आएगा, अलग अलग जमाना आएगा, मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया जाएगा, मगर कुरान का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। बातिल इस कुरान पर ना आगे से हमला कर पाएगा, ना पीछे से हमला कर पाएगा। बहुत मुसलमानों के ऊपर बड़ी बड़ी तबाही के दौर आए। बगदाद में मुसलमानों के ऊपर ऐसा कत्लेआम हुआ था कि दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल और मुसलमानों की किताबों और कुरान को जलाने से काला हो गया था, मगर उस दौर में भी कुरान नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत हुफाज किराम के सीरों में कुरान को महफूज करके उसकी हिफाजत का ऐसा सिस्टम बना दिया है कि कयामत तक कुरान महफूज है। तो मेरे भाइयों, नबी अकरम को जो मोजजा दिया गया वो कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह बाकी रहे। और आगे बढ़िए, कुरान उठाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे नबियों का जिक्र किया है, और बहुत सारे नबियों का जिक्र करके अल्लाह ने उनका नाम लेकर के उनको पुकारा है। कहीं पर फरमाया या ईसा, कहीं पर फरमाया या मूसा, कहीं पर फरमाया या नूह, कहीं पर फरमाया या इब्राहिम। अल्लाह ने अपने सारे नबियों को नाम लेकर के पुकारा है, मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, आपका ये मकाम मर्तबा है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी आपका नाम लेकर के नहीं पुकारा है। जब भी पुकारा है या अय्युहन नबी कह करके पुकारा है, जब भी पुकारा है या अय्युहर रसूल कह करके पुकारा है, जब भी पुकारा है या अय्युहल मुज़म्मिल का है, और जब भी पुकारा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी या मोहम्मद नहीं कहा है। और जानते हैं, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनका नाम लिया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनका नाम लिया, याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनका नाम लिया, मगर जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी और अपने हबीब का नाम लिया, अपने हबीब का जिक्र किया तो अल्लाह ने नाम नहीं लिया। फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर के गई। अल्लाह ने बंदा कहा है और अपना बंदा कहा है। अल्लाह अगर यहां नाम ले लेता तो वो प्यार न झलकता, वो शफकत न झलकती, वो मोहब्बत न झलकती जो अपना बंदा कह करके अल्लाह ने जिसका इजहार किया है। जहां पर भी आप कुरान में देखिए अल्लाह के नबी की कोई अजमत बयान की गई है, आपका कोई मकाम बयान किया गया है, अल्लाह ने अपने नबी को अपना बंदा कह करके पुकारा है। सूरह नज्म उठाइए फऔहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो करना था। यहां भी अल्लाह ने अपना बंदा कहा है, बंदा कहा है। इस बंदगी में जो प्यार है, इस बंदगी में जो इख्तिसास और खसूसियत है, वो नाम लेने में जाहिर ना होता। ये खसूसियत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये मकाम दे दिया है कि कयामत के दिन हर नबी को हौस दिया जाएगा, जिस हौस से वो अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। लेकिन हमारे नबी को जो हौस दिया जाएगा
उस हौज की शान ही अलग होगी, उस हौज को हम हौज कौसर भी कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए नबी, हमने आपको हौज कौसर अता फरमाया है। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन जिस हौज से मैं पानी पिलाऊंगा उस हौज का दरअसल कनेक्शन जन्नत से होगा। और कौसर ये उस हौज का नाम नहीं है बल्कि कौसर एक नहर का नाम है जो जन्नत के अंदर है, और उस नहर में से दो नाले निकलेंगे और उसी नालों से एक हौज तैयार होगा जिस हौज में से मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा, और इस पानी को आपका जो उम्मती पी लेगा लम यजमा बादहु अबदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी को जो हौज कौसर दिया गया उसका यह मकाम और मर्तबा है मेरे प्यारे साथ। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक और खसूसियत से नवाजा है। कौन सी खसूसियत है वो? फरमाया अलम नशरह लका सदरक, अय नबी क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला, क्या हमने आपका शरह सदर नहीं किया? नबी अकरम की जिंदगी में दो बार आपका शक्के सदर हुआ, आपके सीने को चाक किया गया। एक मर्तबा बचपन में आपका सीना चाक किया गया जब आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, और एक मर्तबा मेराज के मौके पर आपके सीने को चाक करके आपके दिल को निकाला गया और उसको ईमान और हिकमत से भरा गया। अलम नशरह लका सदरक, ऐ नबी क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया? ववज़अना अनक विज़रक, और ऐ नबी क्या हमने आपके ऊपर जो बोझ था उस बोझ को नहीं हटाया? अगर अल्लाह अपने नबी की मदद न करता, रिसालत की जिम्मेदारी और बोझ को उठाने में अगर अल्लाह की तौफीक न होती तो अल्लाह के नबी के ऊपर जो प्रेशर था, जो दबाव था, अल्लाह के नबी कभी नहीं उठा सकते थे। वो दबाव इतना खतरनाक था कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब पहली कुरान की वही नाजिल हुई आप घबराए हुए अम्मा खदीजा के पास आए थे और आपने अम्मा खदीजा से कहा था कि ए खदीजा लकद खशीत वाला नफसी, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। ववजाना अनक विज़रक, ए नबी हमने आपकी पीठ को भारी कर देने वाले और आपकी पीठ को बोझल कर देने वाले बोझ को आपकी पीठ से हटा दिया है। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसकी वजह से आप परेशान थे। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, और ए नबी हमने आपको आपके जिक्र को पूरी कायनात में बुलंद कर दिया है। आज पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान रहता है और जहां पर भी मस्जिद है और मस्जिद में अजान हो रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी फजाओं में गूंज रही है। हजरत हसन बिन साबित ने कितनी सच्ची बात कही है, वजम्मल इलाहु वज़म्मल इलाहु उस्मुहु मास्मिही, अल्लाह ने अपने नाम को अपने नबी के नाम के साथ मिला दिया है। अल्लाह ने अपने नाम को अपने नबी के नाम के साथ मिला दिया है। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु फिल खम्सि अशहदु, जब अजान देने वाला पांच टाइम अजान देता है और अशहदु कहता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। ये खसूसियत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़िए, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज एक मील की दूरी पर होगा, हिसाबो किताब के लिए बेचैन होंगे लोग, महशर की गर्मी से बेहाल होंगे लोग, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। लोग आपस में मशवरा करेंगे, चलो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं जो सारे इंसानों के बाप हैं, हम उनके पास चल करके कहते हैं वही कुछ करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अय आदम आप तो अबुल बशर हैं, आप सारे इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। अय आदम आज हम इस परेशानी में हैं, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह इस परेशानी को हटा दे और जल्दी से हमारा हिसाब ले ले। हजरत आदम कहेंगे लस्तुलहा मुझे आज अल्लाह की बारगाह में बात करने की अथॉरिटी नहीं है, मुझे अल्लाह की बारगाह में बात करने की इजाजत नहीं है, मैंने तो अपने रब की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने मना किया था, मैंने जन्नत में वो दरख्त खा लिया था। तुम एक काम करो, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, नूह अलैहिस्सलाम से अपनी बात तुम उनके सामने रखो। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, ऐ नूह अल्लाह की जमीन पर आप अल्लाह के पहले रसूल हैं, अल्लाह ने आपको अब्दन शकूरा कहा है, आपने 950 साल तक अल्लाह के दीन को पहुंचाया है, आप हमारी परेशानी देख रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तुलहा
मुझे आज इस बात की इजाजत नहीं है, आज मेरा रब बहुत गुस्से में है और मैंने अपने रब से एक ऐसा सवाल कर लिया था जिसकी मुझे इजाजत नहीं थी, मैंने अपने बेटे के हक में अल्लाह से सवाल कर लिया था। ऐ लोगों, तुम एक काम करो, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, इब्राहिम के पास जाकर के अपनी बात रखो। बुखारी के अल्फाज हैं, लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ऐ इब्राहिम आप नबियों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया है, ऐ इब्राहिम महशर की इस परेशानी में हम मुब्तला हैं, ऐ इब्राहिम आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह इस परेशानी को दूर फरमा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही बात कहेंगे, लस्तु लहा, मुझे आज अल्लाह की बारगाह में बात करने की इजाजत नहीं है, और मैंने अपनी जिंदगी में तीन ऐसी बातें बोली थी जो झूठ थी, हालांकि वो झूठ नहीं था। उसका एक तफसील में बयान कर चुका हूं, अक्सर बता चुका हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको झूठ समझा था अपने लिए, क्योंकि उनका मकाम बहुत बड़ा था, लेकिन वो झूठ नहीं था, वो हकीकत में झूठ नहीं था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मकाम और मर्तबे की वजह से उसको झूठ समझ रहे थे। आदमी का मकाम जितना बड़ा होता है उसकी लफ्जिशें उतनी बड़ी मानी जाती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, लोगों ने पूछा कि क्या तुमने भूतों को तोड़ा, कहा बड़े वाले ने तोड़ा, तो यहां उनका मकसद झूठ बोलना तो नहीं था, मकसद यह बताना था कि यह इस लायक नहीं है कि किसी को तोड़ सके या इनको तोड़ा जाए तो अपने आप को बचा सके। तौहीद साबित करना मकसद था, तौहीद साबित करना मकसद था, झूठ बोलना मकसद नहीं था। मगर चूंकि जाहिरी एतबार से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से जो बात निकली, सामने वालों ने उसका कुछ और मतलब समझा और इब्राहिम ने अपने दिल में कुछ और मतलब समझा, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको झूठ माना और कयामत के दिन कहेंगे कि चूंकि मैंने जिंदगी में तीन ऐसी बातें बोली थी लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह में आज बात नहीं कर सकता, तुम एक काम करो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अय मूसा आप अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हैं, अल्लाह ने आपको अपना अपने कलाम का शरफ दिया, अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया है, अय मूसा मैं शर्दी ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, दुआ कर दीजिए जल्दी से हिसाब ले ले। हजरत मूसा कहेंगे, ओ लोगो मुझे भी अल्लाह की बारगाह में इजाजत नहीं है बोलने की, और मैंने एक मरतबा एक तिब्बती को ऐसा मुक्का मारा था, मेरे एक मुक्के से वो मर गया था, मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझे अल्लाह की बारगाह में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, एक काम करो तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी किसी गलती का इजहार तो नहीं करेंगे लेकिन वो भी माजरत कर लेंगे और कहेंगे लस्तु लहा, मैं अल्लाह की बारगाह में बात नहीं कर सकता, तुम एक काम करो तुम लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। चुनांचे तमाम के तमाम लोग अल्लाह के प्यारे नबी के पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी आप आखिरी नबी हैं, तमाम इंसानों के सरदार हैं, आप ही कुछ कीजिए अल्लाह की बारगाह में हमारे हक में सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैं कहूंगा अना लहा, सारे नबी कहेंगे लस्तु लहा, मुझे अल्लाह की बारगाह में बात करने की इजाजत नहीं है, और मैं कहूंगा अना लहा, मुझे इजाजत दी गई है। फआती तहतल अर्शी, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे आ जाऊंगा। फअस्जुदु, मैं सजदे में गिर जाऊंगा। फयबतहुल्लाहु अलैय मिन महामिदिही, अल्लाह ताला अपनी तारीफ और अपनी हमदो सना मेरे दिमाग में डालेगा, मेरे दिमाग में अल्लाह की हमदो सना अल्लाह ताला डालेगा जो आज तक अल्लाह ने अपने किसी बंदे को नहीं डाली है। मैं अल्लाह की हमदो सना बयान करूंगा और उसके बाद अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, सल तोता मांगी आपको दिया जाएगा, इशफा तो शफा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। तो ये शफात जो हमारे नबी करेंगे, ये हमारे नबी की मेरे प्यारे साथियों एक ये शफात तो सबके लिए करेंगे और एक शफात होगी जो अपनी उम्मत के लिए करेंगे, और वो कौन सी शफात होगी, वो शफात ये होगी कि आपकी उम्मत में जितने लोग बगैर शिर्क के दुनिया से जाएंगे, जिन्होंने दुनिया में किसी गैरुल्लाह के आगे सजदा नहीं किया होगा, कोई तावीज नहीं पहना होगा, कोई गंडा नहीं पहना होगा, कोई शिर्क नहीं किया होगा, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं माना होगा, मांगा होगा तो अल्लाह से मांगा होगा, सजदा किया होगा तो अल्लाह के आगे किया होगा, कसम खाई होगी तो अल्लाह की खाई होगी, ज़बह किया होगा जानवर तो अल्लाह के नाम पर ज़बह किया होगा, उन मुवहिद लोगों के लिए जो तौहीद पर दुनिया से गए थे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन उनको मेरी शफात नसीब होगी। दुआ कीजिए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमको भी शामिल करे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे दो ऑप्शन दिया, खुय्यर तो बैन शफा, अल्लाह ताला ने दो ऑप्शन मुझे दिया,
एक ऑप्शन तो यह था कि या तो मैं अपनी उम्मत के लिए शफाअत कबूल कर लूं, या फिर मेरी उम्मत, आधी उम्मत मेरी जन्नत में चली जाए। मुझे यह ऑप्शन दिया गया तो मैंने कौन सा ऑप्शन लिया? मैंने ऑप्शन यह लिया कि अल्लाह मेरी आधी उम्मत जन्नत में जाएगी, यह ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी उम्मत के लिए शफाअत करने का मौका मिले। अल्लाह ने मेरी यह गुजारिश कबूल कर ली और मैं शफाअत करूंगा कयामत के दिन। और किसके लिए करूंगा? लिमन मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, मेरी उम्मत के वो तमाम लोग जो बगैर शिर्क के दुनिया से गए होंगे। अब एक आखिरी चीज हम बयान करके बात खत्म करेंगे। अल्लाह के नबी की खसूसियात का तस्करा चल रहा था। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने बहुत बड़े फितने से अपनी उम्मत को डराया है, और वो फितना है दज्जाल का फितना। दज्जाल का फितना दुनिया का, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी क्या कहते हैं, जरा मुस्लिम शरीफ की यह हदीस देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी खुतबा देने के लिए खड़े हुए, आपने अल्लाह की हमदो सना बयान की खुतबा दिया, और उस खुतबे में आपने दज्जाल का जिक्र किया, और दज्जाल का जिक्र करते हुए आपने फरमाया इन्नी लउनज़िरु कुमू, ओ लोगों में तुम्हें दज्जाल से डरा रहा हूं, वमा मिन नबिय्यिन इल्ला अनज़रहु कौमहू, और हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पहले रसूल थे, उन्होंने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। लेकिन ऐ लोगों, मैं दज्जाल के बारे में तुमको वो बात बताने जा रहा हूं जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई थी। मैं वो बात बता रहा हूं जो किसी ने नहीं बताई थी। तालमून अन्नहु आवर, ओ लोगों, मैं दज्जाल के बारे में तुमको ये बता रहा हूं कि वो काना होगा, एक आंख का काना होगा। वह अन्नल्लाहा लैसा बिआवर, और अल्लाह ताला इस ऐब से पाक है। अल्लाह ताला नौजुबिल्ला काना नहीं है, अल्लाह आवर नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा। तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, में पहचान बता देता हूं कि दज्जाल काना होगा, उसके तुम धोखा न खा जाना, उसके उसके जो वो अपने करिश्मे दिखाएगा तुमको, अपना जो झूठ और मक्कारी दिखाएगा, उससे धोखा मत खा जाना। तुम्हारा रब अल्लाह वो इस ऐब से पाक है, वो नौजुबिल्ला काना नहीं है। तो ये दज्जाल के बारे में ये बात किसी नबी ने नहीं बताई, ये बात अगर किसी ने बताई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद खसूसियात थी जो मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने बयान की है। मौजू बहुत तफसील तलब है, फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, आपकी इत्तबा करें, आपके नक्शे कदम पर चलें। रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के नबी की शफाअत कयामत के दिन नसीब फरमाए, आपके हाथों कौसर का पानी हम सबको नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपने नबी की, नबी के सहाबा की, नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे। हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनको रोजगार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। वाह दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।